इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानू मंडल ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। वह हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म के लिए गाना भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां कोलकाता स्टेशन पर एक गरीब महिला लता मंगेशकर का गाना प्यार का नगमा गाती दिख रही थी। सभी लोग उनकी आवाज से प्रभावित रह गए। इसे सोशल मीडिया की ताकत ही कहिए। अब वो महिला ना सिर्फ मशहूर हो गई है, बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हिमेश रेशमिया ने उनके साथ एक गाना भी रिकॉर्ड कर लिया है। हिमेश रेशमिया उनकी आवाज से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म में गाने का चांस दिया। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार रानू मंडल को अपनी फिल्म के लिए गाना गाने के लिए कह रहे हैं। हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म का गाना तेरी मेरी कहानी गाने को रानू मंडल ने गाया है और यह सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन चुका है। आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया ने रेनू मंडल को अपने पहले गाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन रानू मंडल यह पैसे नहीं ले रही थी। उसके बाद हिमेश रेशमिया ने यह पैसे उन्हें जबरदस्ती दे दिए और उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाल ही में सलमान खान ने भी कहा है कि वह अपने फिल्म में रानू मंडल का गाना डालेंगे और अक्षय कुमार की फिल्म के लिए भी वह गाना गा सकती हैं। दोस्तों, रानू मंडल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।